बच्चों गुड मॉर्निंग, माय नेम इज हनुमान सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्लास 12। मर्चेंट ऑफ वेनिस आपके कोर्स में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पेपर में बहुत सारे कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, तो बच्चों के हेल्प के लिए मैंने सोचा क्यों ना इसको पढ़ाया जाए, और इसको मैं कई सेगमेंट में पढ़ाऊंगा वन बाय वन। सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ करेक्टर्स, यानी पात्र परिचय हो जाए। ये एक नाटक है यानी ड्रामा है, दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। यहाँ पहला देखिए द ड्यूक ऑफ वेनिस, ये ड्यूक का राजकुमार है यानी वेनिस का राजकुमार। द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को का राजकुमार, पोर्सिया का प्रेमी रहता है। द प्रिंस ऑफ एरागॉन, ये भी पोर्सिया का प्रेमी रहता है। एंटोनियो, वेनिस का एक अमीर व्यापारी रहता है। बैसिनियो, एंटोनियो का मित्र और पोर्सिया का पति होता है। सेलेनियो, सेलारिनो, ब्रेटियानो और लोरेंजो, ये एंटोनियो और बैसिनियो के मित्र रहते हैं। लोरेंजो साइलाग जो रहता है वो धनी यहूदी रहता है, जेसिका का पिता रहता है। ट्यूबल ये एक यहूदी रहता है, साइलाग का मित्र रहता है। पोर्सिया नेरिसा, पोर्सिया जो रहती है बहुत ही सुंदर स्त्री रहती है, धनी स्त्री रहती है। नेरिसा ये पोर्सिया की दासी रहती है, मेड। जेसिका ये साइलाग की पुत्री रहती है। लैंसलेट गुब्बो ये एक मस्करा रहता है। ओल्ड गुब्बो लैंसलेट के पिता रहते हैं। स्टीफेनो एक दूत रहता है। जेलर फिर सेलेरियो वेनिस का दूत रहता है। लियोनार्डो ये बैसिनियो का नौकर रहता है। बाल्थाजार ये भी पोर्सिया का नौकर रहता है। सर्विंग मैन पोर्सिया का सेवक रहता है। मैसेंजर दूत रहता है, और एक सर्विंग मैन यानी सेवक रहता है जो एंटोनियो द्वारा नियुक्त होता है। फिर अटेंडेंट्स रहते हैं यानी सेवक बहुत सारे रहते हैं। मैग्निफिकोस ऑफ वेनिस यानी वेनिस के सेखीबाज रहते हैं, एंड कोर्ट ऑफिशियल्स और कोर्ट के कर्मचारी रहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में भाग लिए हुए सारे के सारे जो है पात्रों के नाम लिए। अब आगे वन बाय वन लाइन वाइज हम आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे। द मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी वेनिस का सौदागर, एक फर्स्ट है यानी पहला अंक है। सीन फर्स्ट, दृश्य भी पहला है। वेनिस की एक गली यानी स्ट्रीट है, वहाँ पर वेनिस की एक सड़क जिसमें एंटोनियो, सेलेरिनो और सेलेनियो जो है प्रवेश करते हैं। अब देखिए एंटोनियो कहता है इन सूद, इन सूद, सचमुच आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, मैं नहीं जानता कि मैं इतना उदास क्यों हूँ। इट वियरीज मी, ये उदासी मुझे थका देती है। यू से इट वियरीज यू, और तुम कहते हो कि ये मुझे भी, मेरा उदासीपन तुम्हें भी थका देता है। बट हाउ आई काट इट, लेकिन मैं इसे कहाँ से पकड़ लिया। फाउंड इट, कहाँ ये मुझे मिल गई। आर केम बाई इट, या मैंने इसका अधिग्रहण कैसे कर लिया। वाट स्टम मेटाफा, ये किस पदार्थ की बनी, स्टम मतलब पदार्थ की बनी है। वेयर ऑफ इट इज बॉर्न, ये कहाँ पैदा हुई। आई एम टू लर्न, मुझे अभी ये जानना है। आई एम सच ए वांट बिट सैडनेस मेक्स ऑफ मी, और इस उदासी के कारण मैं बिल्कुल भोंडू सा हो गया हूँ, मेरा व्यक्तित्व बिल्कुल डल हो गया है। दैट आई हैव मच ए डू टू नो माई सेल्फ, और मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है कि मैं अपने आप को भी पूर्ण रूप से भूल गया हूँ, या अर्थात मुझे अपने आप को जानने में भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सेकंड में देखिए सेलेरियो कहता है कि योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशियन, कि आपका जो मस्तिष्क है महोदय वो इस समय समुद्र पर रखा है। देयर वेयर योर आर्गोजीज विथ पोटली सेल लाइक सिग्नायर्स एंड रिच बर्जर्स ऑन द फ्लड आर एज इट वर द पेजेंट्स ऑफ द सी, डू ओवर सियर द पेटी ट्रैफिकर्स दैट कोर्ट से टू देम
डू देम रिवरेंस एज दे फ्लाई बाई देम विद देयर ओबीमेंट बींग्स। इसका मतलब था योर माइंड टॉसिंग ऑन द ओशियन, आपका जो मस्तिष्क है वो समुद्र की लहरों पर उछल रहा है, जहाँ तुम्हारे बड़े बड़े मालवाहक जहाज उच्च कुल वाले लोगों और सम्राट नागरिकों की तरह समुद्र की लहरों पर हवा से फूले हुए अपने पाल के साथ चले जा रहे हैं, और अथवा या ऐसे हैं जैसे कि मानो समुद्र के ऊपर कोई भव्य दृश्य हो, तथा ये अपने से छोटे जहाजों को अधिकारियों की भांति देख रहे हैं, और ये छोटे जहाज वहाँ से गुजरते समय अपने पाल रूपी पंखों को झुकाकर इनके लिए पूर्ण शिष्टता और सम्मान व्यक्त कर रहे हों। अब इसमें देखिए टॉसिंग मतलब उछलना होता है, ठीक है, उसके बाद आर्गोजीज मतलब होता है कि कीमती सामान से भरे हुए बड़े व्यापारिक जहाज, पोर्टली मतलब होता है फूले हुए, सेल मतलब तैरना होता है जानते ही हैं, सिग्नायर्स इसका मतलब होता है, सिग्नायर्स में होता है कि श्रेष्ठ व उच्च कुलीन व्यक्ति, फिर रिच बर्गर्स यानी रिच मतलब अमीर होते हैं, बर्गर्स मतलब होता है सिटीजन्स यानी नागरिक, फ्लड मतलब होता है उफनाया हुआ समुद्र, पैजेंट्स मतलब होता है भव्य दृश्य, ओवरसियर मतलब होता है या ओवरपियर मतलब होता है कि अधिकारी की भांत किसी चीज़ की तहकीकात करना, पेटी ट्रैफिकर्स ट्रैफिकर मतलब होता है व्यापारी जहाज आने जाने वाले हैं, वेंचर्स। अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं, ये है आपका सैलानियो के बारे में। बिलीव मी सर, मेरा विश्वास कीजिए श्रीमान जी, हैड आई सच वेंचर फॉर, यदि मेरा ऐसा जोखिम भरा काम होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, तो मेरे स्नेह का अधिकतम यानी मेरा जो मस्तिष्क हो सकता है उसका अधिकतम जो पोर्शन है भाग है वो मेरी आशाओं समेत विदेश में रहता, आई शुड बी स्टिल, मैं वहीं पर हमेशा रहता, प्लकिंग द फ्लॉक ग्रास, मैं घास तोड़ रहा होता, टू नो वेयर सिट द विंड, ये जानने की कोशिश करता हूँ कि किस तरफ हवा बह रही है, पियरिंग इन मैप्स, मैं नक्शों को निकालता और उसमें मैं खोज करता फॉर पोर्ट्स, कहाँ पर पोर्ट्स मतलब कहाँ पर बंदरगाह है, एंड पायर्स कहाँ पर घाटियाँ हैं, एंड रोड्स कहाँ पर सड़कें हैं, एंड एवरी ऑब्जेक्ट डैट माइट मेक मी फियर, और उन सारी वस्तुओं के बारे में मैं जानने का प्रयत्न करता, मिसफॉर्चून टू माई वेंचर, जो मेरे जोखिम भरे व्यापार के लिए विपत्ति साबित होती, आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड, और इन निसंदेह इन सारी चीज़ों के वजह से मैं दुखित हो सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ मीनिंग है, इन सूद सचमुच, केम बाई मतलब अधिग्रहित करना, वांट बिट मतलब होता है बिल्कुल बहुत ही भोनू टाइप का व्यक्ति, एडू मतलब होता है कष्ट, आर्गोजिस मतलब होता है कि अमीर व्यापारी जहाज, और सिग्नायर्स मतलब होता है बहुत अच्छे व्यक्ति, बर्गस मतलब होता है आपका सिटीजन्स, पेजेंट्स मतलब होता है कि बहुत ही भव्य दृश्य, ओवरसियर मतलब होता है पार करना, ट्रैफिकर्स मतलब होता है व्यापारी जहाज, ओवन विंग्स मतलब होता है फूले हुए कैनवास के त्रिपाल, स्टील मतलब होता है ऑलवेज। पेज नंबर 35 पे आप देखें कि इसका जो अर्थ है कि माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ वुड ब्लो मी टू एन एग्यू, एग्यू मतलब होता है कपकपी के साथ आने वाला बुखार, व्हेन आई थॉट, कहने का तो कि मेरे शोरबे को ठंडा, माई विंड मतलब होता है मेरे, माई ब्रॉथ मतलब होता है मेरा शोरबे को कूलिंग मतलब ठंडा करने वाली, मेरे मुंह से निकलने वाली सांसों की हवा वुड ब्लो मी टू एन एग्यू, सांसों को मुझे कपकपी पैदा करते हुए बुखार की स्थिति में पहुंचा देती है, व्हेन आई थॉट, जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि समुद्र पर व्हाट आर मे विंड टू ग्रेट माइट डू एट सी, कि ये तेज चलने वाली हवा यदि समुद्र में हो तो ये कितनी खतरनाक हो जाती है, आई
शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ साइलोस लैंड ऑफ फ्लैट्स एंड सी माई वेल्दी एंडू डॉग इन सैंड। देखिए यहाँ से, बट आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन, समय बताने वाले कांच के ग्लास रूपी बर्तन से गिरने वाली बालू को मैं नहीं देख पाता हूँ। जब मैं उसे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो जहाज़ है वो समयशाली जहाज उथले पानी में सैरो मतलब उथले पानी में आता हुआ एंड ऑफ फ्लैट्स समतल बालू में पड़ा है। एंड सी माई वेल्दी एंडू डॉक इन सैंड, और मैं देखता हूँ कि मेरा जो समृद्धशाली जहाज़ एंडू मतलब जहाज है, डॉक मतलब वो बिखर गया है इन सैंड बालू में, यानी मेरा शक्शाली जहाज समृद्धशाली जहाज वो टूट करके बालू में बिखर के पड़ा है। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर दीप्स, उसका जो ऊंचा मस्तूल है लोअर देन हर रिप्स, मुझे जहाज के किनारों से भी वो नीचे होकर उस बालू को छो रहा है। टू किस हर ब्यूरियल, जो यही बालू चारों तरफ से उसे अपने अंदर समेटने के लिए तैयार है। शुड आई गो टू चर्च, जब मैं चर्च जाता हूँ एंड सी द होली एडिफाई ऑफ स्टोन, एडिफाई मतलब होता है पत्थर का बना हुआ शानदार पवित्र भवन, आलिशान भवन एडिफाई। तो जब मैं चर्च जाता हूँ और उस पवित्र पत्थर के बने हुए आलिशान महल को देखता हूँ, एंड नॉट बी थिंक मी स्टेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक खतरनाक समुद्र में एक खतरनाक सीधी खड़ी चट्टान जैसा होगा। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, यदि वो मेरे नाजुक जहाज को छू ले वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेज ऑन द स्ट्रीम, तो उससे मेरे जहाज पे लदे हुए पूरे के पूरे जो स्पाइसेज हैं यानी मसाले हैं वो समुद्र की लहरों में बिखर जाएंगे। इन रोप द रोलिंग वाटर विद माई सिल्स, और पूरे समुद्र में जो गरजता हुआ पानी है रोलिंग वाटर है उसको जो मेरे जहाज पे लदे हुए सिल्क्स हैं, सिल्क मतलब रेशम है, वो उसको चारों तरफ से इन रोब यानी कपड़े पहना देगा, अर्थात उसमें रेशम जो है वो गरजते हुए पानी को प्रधान युक्त बना देंगे। एंड इन एन वर्ड, और एक शब्द में अगर मैं कहूँ, बट इवन नाउ वर्थ दिस, कि अभी इस जहाज में जो लदे हुए बहुमूल्य चीज़ें हैं एंड नाउ वर्थ नथिंग, और जब ये टूट जाता है तो इस जहाज का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। शैल आई हैव द थॉट्स टू थिंक ऑन दिस, या और शब्द में कहूँ तो यदि संयोग से ऐसा घटित होता है, एंड शैल आई लैक द थॉट, और यदि मैं ये विचार ना भी करूँ, दैट सच ए थिंग बी चांस्ड, यदि संयोगवश ये घटित हो जाता है, वुड मेक मी सैड, तो इससे मुझे जो है खुशी नहीं होगी। बट टेल नॉट मी, लेकिन मुझे ऐसा मत बताओ, आई नो मैं जानता हूँ, एंटोनियो इज सेड टू थिंक अपान द हिज मर्चेंडाइज, मैं जानता हूँ कि एंटोनियो जो है वो दुखी है टू थिंक अपान हिज मर्चेंडाइज, कि अपने व्यापारिक जहाज के बारे में सोचता हुआ ही वो बहुत ही दुखी है। एंटोनियो कहता है कि बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, नो आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, मैं ऐसा नहीं है और मैं अपने अच्छे भाग के लिए धन्यवाद देता हूँ। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, ठीक है, यानी मेरी जो सारी संपत्ति है, बॉटम मतलब होता है जहाज, वो केवल एक ही जहाज पर नहीं है। अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर नॉर
टू वन प्लेस, ना एक स्थान पर है, ना इन माई होल स्टेट, और ना ही मेरे माल संपद से भरे हुए जो जहाज है वो किसी स्थान पर गए हुए हैं, और ना ही ऐसा है कि मेरा पूरे का पूरा जो भाग्य है अर्थात मेरी जो संपत्ति है वो इस वर्तमान समय पर दिस प्रेजेंट ईयर मतलब इस वर्तमान समय पे एक ही जहाज पर है। देयरफॉर मतलब इसीलिए माई मर्सेंडाइज मेक्स नॉट सेल, मेरा जो व्यापार है या मेरे व्यापार संबंधी जो माल है मर्सेंडाइज है वो मुझे दुखित नहीं करता है। इसमें सेलेरिनो कहता है वाई क्यों देन यू आर इन लव, तब जरूर जो है तुम प्रेम में फंसे हुए हो। एंटोनियो कहता है म्यूफाई छी छी। फिर सेलेरिनो कहता है नॉट इन लव आई नीदर, क्या प्रेम में भी नहीं फंसे हुए हो। देन लेट अस से यू आर सैड, तब हमें कहने दो कि तुम दुखी हो। बिकॉज यू आर नॉट मैरी, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। एंड देयर एज इजी फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से यू आर मैरी, तब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है कि तुम हंस सकते हो, पूछ सकते हो और कह सकते हो कि तुम प्रसन्नचित हो। बिकॉज यू आर नॉट सैड, क्योंकि तुम दुखी नहीं हो। नाउ अब बाय टू हेडेड जैनस, अगर मैं दो सिर वाले जैनस नाम के देवता के बारे में बात करूं, नेचर हैड फ्रेम स्टैंड फेलोज इन हर टाइम, यानी जो प्रकृति है उसने अपने समय में बहुत ही विचित्र लोगों को बनाया है। सम डैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज एंड लाफ लाइक पायरेट्स एट ए बैक पाइपर, उसमें कुछ ऐसी है जो एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज की जो अतखुली आँखों से देख करके भी एंड लाफ लाइक पायरेट्स एट ए बैक पाइपर, और एक प्रकार का वाद्य यंत्र जिसको बैक पाइपर है जो मुँह से बजाया जाता है उस पर भी तोते की तरह हंस सकते हैं। पेज नंबर 36 देखिए, एंड अदर ऑफ सच विनिजेंट एस्पेक्ट्स, और कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वभाव बड़ा ही कड़वा होता है। दैट दे विल एंड सच ऑफ अदर ऑफ सच एबिनेजर एस्पेक्ट, कुछ दूसरे ऐसे एस्पेक्ट होते हैं जिनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल सिरके जैसा कड़ुआ होता है। दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, कि वो हंसने के क्रम में अपने दांतों को कभी भी प्रदर्शित नहीं कराएंगे। दो नेस्टर स्वेयर द जेस्ट बी लाफेबल, यद्यप जो हंसी हसौड़ा या हंसी का जो देवता है वो कसम खा करके ये कह दे कि ये जो जेस्ट है यानी जेस्ट मतलब जो ये मजाक है बी लाफेबल, ये हंसने योग्य है। पेज नंबर 30 पे इंटर बैसेनियो लोरेंजो एंड गेटेनो, यानी बैसेनियो लोरेंजो और गेटेनो का प्रवेश होता है। सेलेनियो कहता है हियर कम्स बैसेनियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन, बैसेनियो आ रहा है योर मोस्ट नोबल किंग्समैन, ये तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है। गेटेनो एंड लोरेंजो, साथ में गेटेनो भी है और लोरेंजो भी है। फेयर एबल, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए, यानी हम जा रहे हैं, नमस्ते। वी लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी, हम तुम्हें इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि अब हम तुम्हारे पास हमसे बढ़िया दोस्त हैं। सेलेरियो कहता है आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी, मैं यहाँ पर उस समय तक ठहरता जब तक मैं तुम्हें प्रसन्नचित न कर लेता। इफ वर्दियर फ्रेंड प्रिवेंटेड मी, लेकिन जो मुझसे योग्य मित्र हैं वो यहाँ आ गए हैं जिसकी वजह से मैं रुक गया हूँ।
एंटोनियो कहता है, यू वर्थ इज वेरी डियर इन माई रिगार्ड, मेरे सम्मान में तुम्हारा जो मूल्य है वो बहुत है। आई टेक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, यानी तुम्हें पसंद करता हूँ। योर ओन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, लेकिन तुम अगर जा रहे हो तो तुम्हारा कोई ना कोई काम है, वही तुम्हें बुला रहा है। एंड यू एम्ब्रेस द अकेजन टू डिपार्ट, और तुमने एम्ब्रेस द अकेजन मतलब तुमने इस अवसर का जो लाभ उठाया है जाने के लिए। सोलेरो कहता है, गुड मॉरो माई गुड लॉर्ड्स, नमस्कार मेरे स्वामियों। बैसिनियो कहता है, गुड सी नाइस बोथ वेन सेल बी लाफ से वेन, गुड सिग्नायर्स बोथ, तुम दोनों महोदयों को नमस्कार। वेन सेल बी लाफ, हम हंसेंगे कब, से वेन बताओ, सेवन मतलब बताओ। यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज मस्ट इट बी सो, तुम दिन प्रतिदिन जो है बहुत ज़्यादा विचित्र होते जा रहे हो। मस्ट इट बी सो, क्या ऐसा है? तो देखिए यहाँ पे मैं पूछा था कि मस्ट इट बी सो, क्या ऐसा होना जरूरी है? सोलेरो कहता है, वी विल मेक अवर लेजर टू अटेंड ऑन योर्स, वी विल मेक यानी हम लोग जो है फुर्सत निकालेंगे टू अटेंड ऑन योर्स तुम्हारे लिए। ये देखिए आप लिखा है एग्जेंट सोलेरियो एंड सोलेनियो, ये इतना कहकर सोलेरिनो और सोलेरियो दोनों चले जाते हैं। लोरेंजो कहता है, माई लॉर्ड बेसिनियो, मेरे मालिक बेसिनियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, क्योंकि तुम्हें एंटोनियो मिल गए हैं, वी टू विल लीव यू, हम दोनों भी अब तुम्हें छोड़ के जाएंगे। बट एट डिनर टाइम, लेकिन जब रात भोज का समय हो, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हैव इन माइंड वेयर वी मस्ट मीट, आपके मस्ती में ख्याल हो रखना चाहिए या आपके मस्ती में होना चाहिए कि वहीं पर हम फिर मिलेंगे। बैसिनियो कहता है, आई विल नॉट फेल यू, इसका मतलब था कि आई विल नॉट फेल यू, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। गेटिनियो कहता है, यू लुक नॉट वेल सिग्नायर एंटोनियो, गेटिनियो कहता है कि तुम जो है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सिग्नायर एंटोनियो, महोदय एंटोनियो या श्रीमान एंटोनियो, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ड, तुम्हें टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ड यानी तुम्हें जो है दुनिया की बहुत चिंता लगी रहती है।